Hi guys, myself Seema Shaljanan. Thanks to come to my channel Sai Basics Plus Advanced. In this video, I will discuss about to learn procedure for preparation of permanent stained slides. इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था? तो temporary slides के बारे में देखा था. Temporary और permanent में क्या difference होता है? तो temporary हम तुरंत lab में slide को prepare करते हैं और microscope पे देखते हैं. लेकिन permanent stained slides को हम क्या करते हैं? तो permanent slides जो है वो आपको lab में बहुत सारे permanent slides दिखेंगे जो आपको एक्सटर्नल हो सकता है आएँ और उसमें से कोई भी दो चार लेके आपको कहें माइक्रोस्कोप पे देखिए और बताइए कि ये क्या चीज़ का स्लाइड है. ठीक है, तो परमानेंट स्टेंड स्लाइड्स हम कैसे बनाएंगे? तो सब ये सिलेबस तो मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि ऑलमोस्ट बहुत कुछ हमने डिस्कस कर लिया है. ये वाला ये यूनिट टू का टॉपिक है. यूनिट टू का टू लर्न प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेम्पररी नहीं परमानेंट. टेम्पररी वाला इससे पहले वाला वीडियो था और परमानेंट में भी कौन सा स्टेंड स्लाइड्स. इसके बाद वाले वीडियो में हम अनस्टेंड डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि प्रैक्टिकल कॉपी में ही लिखना है, ये भी धागे वाली फाइल में नहीं लिखनी है. कुछ आपको फॉर्मेलिटीज़ परफॉर्म करनी होती है, जैसे कि नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट दे दीजिएगा, डेट दे दीजिएगा, एक्सपेरिमेंट नंबर लिखिएगा और पेज नंबर दे दीजिएगा. उसके बाद आप हेडिंग दीजिएगा टू लर्न प्रोसीज्योर फॉर प्रिपरेशन ऑफ परमानेंट स्टेंड स्लाइड्स. कौन कौन से प्रोसीज्योर हमें फॉलो करना होता है? तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ परमानेंट स्टेंड स्लाइड्स इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स. कौन कौन सा स्टेप? सबसे पहले आपको फिक्सेशन करना होता है. फर्स्ट वी फिक्स द स्पेसिमेन यूजिंग अ फिक्सेटिव. फिक्सेटिव का यूज़ करते हैं जैसे कि लाइक फॉर्मलिन टू प्रिजर्व स्पेसिमेन स्ट्रक्चर. फॉर्मलिन का यूज़ करते हैं ताकि हम प्रिजर्व कर सकें स्पेसिमेन के स्ट्रक्चर को. ठीक है, कौन से स्ट्रक्चर को? जैसे कोई भी सेल ऑर्गेनेल हो गया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, कोई भी पैरासाइट हो गया, उसका सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फिक्सेशन. आई अगेन रिपीट, फर्स्ट वी फिक्स द स्पेसिमेन यूजिंग अ फिक्सेटिव लाइक फॉर्मलिन टू प्रिजर्व स्पेसिमेन स्ट्रक्चर. फॉर्मलिन का यूज़ करते हैं ताकि हम प्रिजर्व कर सकें क्या चीज़? स्पेसिमेन के स्ट्रक्चर को. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? डीहाइड्रेशन. डीहाइड्रेशन में क्या होता है? देन वी ग्रेजुअली डीहाइड्रेट द स्पेसिमेन यूजिंग अ सीरीज ऑफ अल्कोहल सॉल्यूशंस. मीन्स एक बार में ये डिहाइड्रेट नहीं होगा, दो चार बार आपको अल्कोहल का यूज़ करके स्पेसिमेन को अच्छे से डिहाइड्रेट करना होता है. तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? फिक्सेशन, देन डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन में क्या करना होता है? वी ग्रेजुअली डिहाइड्रेट द स्पेसिमेन यूजिंग अ सीरीज ऑफ अल्कोहल सॉल्यूशंस. अल्कोहल सॉल्यूशन के सीरीज मीन्स दो चार बार आपको यूज़ करना पड़ सकता है डिहाइड्रेट करने के लिए. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्लियरिंग. यूज़ अ क्लियरिंग एजेंट दैट इज़ ज़ाइलिन. आप क्लियरिंग एजेंट में ज़ाइलिन का यूज़ किया जाता है जनरली टू रिमूव द अल्कोहल, ताकि ये जो अल्कोहल से आपने डिहाइड्रेट किया था उसको रिमूव कर सके. एंड मेक द स्पेसिमेन ट्रांसपेरेंट, और आप उस स्पेसिमेन को ट्रांसपेरेंट बना सके. ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी बना सके. तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था? फिक्सेशन, देन डिहाइड्रेशन, देन क्लियरिंग. उसके बाद आ जाइए इनफिल्ट्रेशन. चौथे स्टेप में क्या करना होता है? नाउ वी इमर्ज द स्पेसिमेन इन अ मोल्टन पैराफिन वैक्स टू रिप्लेस द क्लियरिंग एजेंट. अब जो क्लियरिंग एजेंट हमने ज़ाइलिन यूज़ किया था उसको भी हटाने के लिए हम क्या करते हैं? इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं. उसमें क्या करते हैं? वी इमर्ज द स्पेसिमेन. स्पेसिमेन को इमर्ज करते हैं किसमें? मोल्टन पैराफिन वैक्स में. ठीक है, ताकि हम क्लियरिंग एजेंट को रिप्लेस कर सकें. उसके बाद एम्बेडिंग. नेक्स्ट स्टेप, पांचवा स्टेप क्या है आपका? एम्बेडिंग. देन वी हैव टू एम्बेड द स्पेसिमेन इन अ वैक्स ब्लॉक फॉर सपोर्ट ड्यूरिंग सेक्शनिंग, ताकि हम जो सेक्शनिंग करें उसमें जो ये वैक्स ब्लॉक है सपोर्ट के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको एम्बेड कर सकें. देन वी हैव टू एम्बेड द स्पेसिमेन इन अ वैक्स ब्लॉक. जहाँ पर हमने वैक्स डाला है उस ब्लॉक में हम अब एम्बेड कर सके, मीन्स अच्छे से उसको रख सके. फॉर सपोर्ट ड्यूरिंग सेक्शनिंग, ताकि सेक्शनिंग के टाइम में आपको सपोर्ट मिल सके. वैक्स मीन्स आपने मोमबत्ती का तो देखा होगा, वो वैक्स जो कैंडल में होता है, तो अगर उसका यूज़ करते हैं तो अच्छे से वो वैक्स क्या करता है? सेक्शनिंग में हेल्प करता है. और सिक्स्थ स्टेप में हम क्या करते हैं? सेक्शनिंग. सेक्शनिंग में क्या होता है? अब अच्छे से वैक्स से वो कोटेड हो चुका है तो वो थोड़ा सा आपको टाइट फील होगा. नाउ वी कट थिन सेक्शंस, बिल्कुल थिन स्लाइस जैसे सेक्शंस आप काटेंगे ऑफ द स्पेसिमेन यूजिंग अ माइक्रोटोम. माइक्रोटोम का यूज़ करके उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद माउंटिंग करते हैं. माउंटिंग में क्या होता है? देन वी प्लेस द सेक्शनिंग ऑन अ ग्लास स्लाइड. ग्लास स्लाइड पे प्लेस करते हैं ये सेक्शनिंग जो कटिंग कट स्लाइड वो है सेक्शन है. एंड हीट टू एडहेयर देम, और हीट करते हैं ताकि वो अच्छे से चिपक सके.
नाउ वी अलाउ टू कूल इट, उसके बाद हम ठंडा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, स्टेनिंग। स्टेनिंग में क्या होता है, देन वी अप्लाई अप्रोप्रिएट स्टेन्स लाइक हिमेटोक्सिलिन एंड इओसिन फॉर कॉन्ट्रास्ट। हिमेटोक्सिलिन और इओसिन का हम यूज़ करते हैं ताकि वो कॉन्ट्रास्ट दिख सके। वी अप्लाई अप्रोप्रिएट स्टेन्स। उसके बाद नाइन्थ स्टेप में क्या करेंगे, नाइन्थ स्टेप में डिहाइड्रेशन एंड क्लियरिंग अगेन। फिर से हम क्लियर करेंगे, साफ करेंगे, डिहाइड्रेशन एंड क्लियरिंग अगेन। नाउ वी रिपीट डिहाइड्रेशन एंड क्लियरिंग स्टेप्स टू रिमूव एक्सेस स्टेन, ताकि जो एक्सेस स्टेन है उसको हम रिमूव कर सकें, हटा सकें। और तब जाके परमानेंट माउंटिंग करते हैं। परमानेंट माउंटिंग में क्या होता है, तो आफ्टर डिहाइड्रेशन एंड क्लियरिंग स्टेप्स देन वी अप्लाई अ परमानेंट माउंटिंग मीडियम एंड कवर द स्लाइड विथ अ कवर स्लिप। स्लाइड को अच्छे से कवर कर लेते हैं कवर स्लिप के माध्यम से। नाउ सील द एजेस विथ अ सुटेबल सीलेंट। देखिए इसके, ये चूंकि हमें परमानेंट स्लाइड बनाना है, इस वजह से इसके एज को अच्छे से सील करना होता है सुटेबल सीलेंट के माध्यम से, ताकि उसको हम परमानेंट स्लाइड बना के काफ़ी दिनों तक लैब में उसको रख सकें। और उसके बाद एट लास्ट हम क्या करेंगे, लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग में क्या होता है, एट लास्ट वी लेबल द स्लाइड विथ अ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू आप लेबल कर सकते हैं। अब इसका फ्लो चार्ट भी मैंने आपको बना दिया है, तो वाइट पेपर पे चाहे तो आप स्टेप वाइज फ्लो चार्ट भी लिख सकते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप आपने क्या देखा, फिक्सेशन। फिक्सेशन में फिक्स द स्पेसिमेन विथ फॉर्मलिन। फॉर्मलिन का यूज़ करके हमने फिक्स कर लिया स्पेसिमेन को। नेक्स्ट स्टेप डिहाइड्रेशन। इसमें क्या था, डिहाइड्रेट किया था हमने अल्कोहल के थ्रू। उसके बाद ये जो अल्कोहल है उसको क्लियर किया था किसके थ्रू, ज़ाइलिन के थ्रू। देन क्लियरिंग, यूज ज़ाइलिन फॉर क्लियरिंग। देन इनफिल्ट्रेशन, इमर्ज इन पैराफिन वैक्स के थ्रू। देन इम्बेडिंग, इम्बेड किया हमने वैक्स ब्लॉक के माध्यम से। और उसके बाद फिर जब वैक्स उसको अच्छे से थोड़ा टाइट बना देता है, तब हम क्या करते हैं, सेक्शनिंग करते हैं, कट द सेक्शंस विथ माइक्रोटोम। देन माउंटिंग करते हैं, प्लेस सेक्शंस ऑन अ स्लाइड। उसके बाद हीट करते हैं कुछ समय के लिए, फिर उसको ठंडा करते हैं कूल। देन स्टेनिंग, नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था स्टेनिंग। अप्लाई हिमेटोक्सिलिन एंड इओसिन। देन डिहाइड्रेशन एंड क्लियरिंग अगेन। उसके बाद फिर से हम डिहाइड्रेट करते हैं और फिर से उसको साफ करते हैं, क्लियर करते हैं। देन परमानेंट माउंटिंग करते हैं, अप्लाई माउंटिंग मीडियम। इसमें क्या करते हैं, कवर स्लिप लगाते हैं ताकि हम इसके एज मीन्स किनारे को सील कर सकें। और लास्ट में लेबलिंग करते हैं कि हाँ ये स्लाइड किस चीज़ की है। ये हो गया आपको फ्लो चार्ट, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये हो गया आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन। और सारा पीडीएफ के फॉर्म में आपको मैं टेलीग्राम चैनल साई बेसिक्स के नाम से है, वहाँ मैं शेयर कर देती हूँ। और लेकिन मैं तो यही आपको प्रेफर करूँगी कि आप खुद से सुनिए, समझिए और तब अपने कॉपी में राइट डाउन करिए, तो आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट कुछ थोड़ा पता भी तो चलना चाहिए कि हाँ टेम्पररी स्लाइड में क्या डिफरेंस है, परमानेंट स्लाइड में क्या डिफरेंस है। अगर परमानेंट स्लाइड है तो उसमें स्टेन्ड स्लाइड्स में क्या होता है और अनस्टेन्ड स्लाइड में क्या होता है। तो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, स्टेन्ड स्लाइड्स के बारे में, परमानेंट स्टेन्ड स्लाइड्स कैसे बनाया जाता है, उसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो अनस्टेन्ड स्लाइड्स कैसे बनाया जाता है। और सारे प्रोसेस सेम होते हैं, बस एक चीज़ उसमें कमी होती है। क्या वो एक चीज़ नहीं होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों मेरा ये पढ़ाने का तरीका एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।